नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे TTML के बारे में। इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने वाला है, काफ़ी दिनों से जो है लगातार इसमें हमें अपर सर्किट पर अपर सर्किट देखने वाला है और ये शेयर जो है तूफान की तरह हमें आगे बढ़ता हुआ देखने वाला है और ये शेयर जो है पर डे एक नया जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है। अब बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये तेजी देखने वाले है, जो इसमें ये अपर सर्किट देखने वाले हैं, ये सर्किट आपको इसी प्रकार से कब तक देखने वाले हैं, इसका अगला टारगेट कौन सा रहने वाला है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट है तो आपको अपनी इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या अपनानी, आपको अपना अगला टारगेट कौन सा रखना है, और इसके अलावा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जिसकी मदद से आप जो है इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें लेवल बताने वाला हूँ जो आपको आगे आने वाले समय के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, BTST स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं ये सारी फैसिलिटी हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज पे नहीं करना। देखिए, हमने आपको एक SBI की एक बहुत अच्छी ट्वीट दी थी, और देखिए हमने आरती इंडस्ट्री की आपको एक बहुत अच्छी ट्वीट दी थी। देखिए, काफी अच्छा लोगों ने पैसा लाया ट्रेड को लेकर। अगर आप भी इसी प्रकार से पैसा अर्न करना चाहते हैं तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई, इस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ग्रासिम की एक ट्रेड बहुत अच्छी थी, 61 पे बाय किया था, 87 के उसने हाई लगाया। और देखिए, हमने आपको एक ट्रेड दी थी बहुत ही धमाकेदार, वो कौन सी ट्रेड थी, वो ट्रेड थी आपकी ICICI बैंक की, और एक ट्रेड थी हमारी डेल्टा कॉर्प और इसकी टाइटन की। तो इन सारी ट्रेडों में बहुत अच्छा पैसा बना लोगों का। अगर आप भी इसी प्रकार से पैसा अर्न करना चाहते हैं तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई, इस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत आपको फायदा होने वाला है इस ग्रुप को ज्वाइन करने से। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ये कैसे क्या हमें ट्रेड देखने वाली है TTML में कल के दिन। तो देखिए, कल इसमें 12.50 रुपये की थी, 5% का हमें अपर सर्किट देखने वाला है, 263.20 रुपये पर अब ये स्टॉक पहुंच चुका है। बात करें एक सप्ताह की, तो एक सप्ताह में देखिए ऑलमोस्ट 21.49% रिटर्न देखने वाले हैं, 46.55 रुपये की थी सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में हमें अभी तक देखने को मिल चुकी है। वन मंथ में इसने और भी धमाकेदार रिटर्न दिए, 86.40% रिटर्न देखने वाले हैं, 122 रुपये की तेजी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में ये शेयर अभी तक दे चुका है। छह महीने में देखें तो छह महीने में लगभग 46.63% 466.63% रिटर्न देखने वाले हैं सिर्फ और छह महीने में। अब बात करते हैं कि क्या मंडे को इसमें फिर से आपको तेजी देखने मिलने वाली है या इसमें आपको फिर से गिरावट का एक दौर देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं इसमें पहले आगे के लेवल्स की कि आगे इसमें क्या होने वाला है। देखिए, इसमें कल का वॉल्यूम जो था वो था ऑलमोस्ट 6,45,914 शेयरों का इसमें ट्रेड हुआ है, और इसमें देखें बाइंग साइड पर ऑर्डर कितने, 2,46,781 नंबर ऑफ ऑर्डर हमें देखने को मिलने हैं बाइंग साइड पर। तो काफ़ी अच्छे इसमें ऑर्डर अभी भी देखने मिलने हैं, मतलब कि आपको मंडे को इसमें फिर से तेजी देखने मिलने वाली और ये शेयर फिर से आपको तेजी में देखने मिलेगा। हो सकता है कि अगर इसमें अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो हो सकता है कि इसमें आपको अपर सर्किट के साथ इसमें ओपनिंग देखने को ना मिले, लेकिन आपको इसमें अपर सर्किट जरूर देखने को मिलने वाला है। मंडे के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डे रहने वाला है मंडे का, और इसमें जो है आपको काफ़ी अपना एक्टिव रहना है, 2-3 दिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है और ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पर रहना चाहिए क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर पक्का आपको पैसा बना के देगा ही देगा, तो लॉन्ग टर्म वाले तो आराम से इसमें होल्ड करें, उनको बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है, लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म वाले हैं वो लोग थोड़ा सा इसमें अभी अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि ये शेयर 150 रुपये के बाद से 260 रुपये पहुंच चुका है, मतलब कि 100 रुपये की शेयर में बढ़ोतरी इतने कम समय हो चुकी है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन आपको फिर से थोड़ा बहुत देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले समय। बाकी आपका जो लेवल इंपॉर्टेंट है उसको लिए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। देखिए, चार्ट पर मैंने आपको जो टारगेट दे रखा है अभी के लिए वो हमारा 225 रुपये का अचीव हो गया था, ये 225 रुपये हमारा टारगेट अचीव हो गया था, और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 290 रुपये 20 पैसे का, ये हमारा टारगेट नंबर अब रहेगा 1। और आपको इसी लेवल पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आपका 290 रुपये 20 पैसे के बाद दोबारा से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ये शेयर थोड़ा सा करेक्शन लेके दोबारा से आपको अप ट्रेंड में देखने मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, अभी 290 रुपये 20 पैसे पर अभी आप अपना रखे टारगेट, जो भी शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 290 रुपये 20 पैसे पर रखे टारगेट, और दोबारा से जो है अपना इस लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जब ये शेयर नीचे आए तो डिप में दोबारा से अपना आप जो है फ्रेश बाय कर सकते हैं। आपका सपोर्ट का लेवल अभी के लिए वो है 225 रुपये का सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 आपका जो है वो है 180 रुपये 20 पैसे का, सपोर्ट 2 180 रुपये 20 पैसे, सपोर्ट नंबर 1 225 रुपये, टारगेट नंबर 1 आपका 290 रुपये 20 पैसे का रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म वाले इसमें आराम से होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वालों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, वो लोग आराम से इसमें बने रहिए, चिल कीजिए, आपका पैसा जो है आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बनने वाला है, तो इसलिए आप इसमें होल्ड करें। और इसके अलावा जो भी शॉर्ट टर्म वाले हैं तो शॉर्ट टर्म वाले 290 रुपये 20 पैसे का अपना टारगेट रखिए, और इससे पार्टी शेयर प्रॉफिट बुक करके आप दोबारा से नीचे के लेवल पर अपनी फ्रेश बाइंग जो है 225 रुपये वहाँ पर कर सकते हैं अपनी फ्रेश बाइंग।
और अगर आप इसको मैं बताऊं तो अगर आप मैं एक लॉन्ग टर्म का आपको टारगेट दूं तो करीब करीब अगर आप 3 से 4 साल, कम से कम 4 साल 5 साल इसको होल्ड करते हैं तो आप 1000 रुपीज़ का तो टारगेट आराम से बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। 1000 रुपीज़ का ये शेयर आराम से जा सकता है क्योंकि टाटा सन्स लगातार इसमें अपनी बोले तो पैसा निवेश कर रहा है और टाटा सन्स को बहुत ज़्यादा इस कंपनी पर भरोसा है कि आगे ये ग्रो करेगी। और आपको पता है कि टाटा का सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है मार्च में, तो उसके आने के बाद तो इसमें और भी ज़्यादा आपको तेज़ी देखने मिलने वाली है, इसलिए आप इसमें आराम से अभी होल्ड करें लंबे समय के लिए। इस कंपनी में जरूर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। जब मैंने ये बात पहले बोलता था जब ये शेयर 30 रुपये पर था तब मैं आपको चीख चीख के बोलता था कि इस शेयर को आप अपने खरीद लीजिए, पोर्टफोलियो में रख लीजिए, आपका बहुत अच्छा ये स्टॉक परफॉर्मेंस देने वाला है। तो कुछ लोग बोलते थे ये तो सब बेकार की कंपनी है, कुछ नहीं होने वाला, और अब वही लोग जो है इसमें अपनी बाइंग करने के लिए तरस रहे हैं, वो लोग इसमें बाइंग अब नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोला कि आप इसमें गलती से भी चूके ना, ऑलरेडी इन्वेस्ट तो होल्ड करें लंबे समय के लिए, आप जरूर इसमें अपनी होल्डिंग बना के रख सकते हैं। बाकी अब बात करें कि कौन सा वो स्टॉक इसमें आपको जो है अभी बोनस मिलने वाला है, तो बोनस वाला जो स्टॉक है वो है आपका, उसका नाम है एग्जिटा कॉटन। एग्जिटा कॉटन में क्या है, ये देखिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आपको मैं इसकी रिटर्न दिखाऊँ, आपको एक नंबर ऑफ रिटर्न दिखाता हूँ 6 महीने के, देखिए 102 रुपये 35 पैसे के रिटर्न बना के दे चुका सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। ये भी देखिए एक टीटीएम की तरह स्टॉक बढ़ रहा है। देखिए आप इसका ये स्टॉक देखिए 9 जुलाई को कहाँ पर था, 27 रुपये के आसपास पर था, और तब से देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट देखिए एक साल में और देखें तो 27 रुपीज़ से देखिए ये स्टॉक कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग लगभग 366% रिटर्न दे चुका है। और 6 महीने में देखिए इसने बहुत ही कमाल रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 27 रुपये 60 पैसे से ये स्टॉक 139 रुपये 95 पैसे पर पहुंचेगा। और उसने देखा अपना हाई कितना लगाया, हाई लगाया था 133 रुपये 35 पैसे का, तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस अभी तक दे चुका है और ये शेयर अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसमें भी देखिए आपको बोनस मिलने वाला है, बोनस कितना मिलेगा आपको लिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बोनस का भी दिखा देता हूँ कितना बोनस मिलेगा। तो आपको जो है इसमें एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलने वाले, मतलब कि देखिए फॉर एवरी 1:2 में आपका जो है बोनस होगा, तो आपको हर एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। और आपकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 12 जनवरी और आपकी एक्स डेट है वो है 17 जनवरी। अगर आपने इस कंपनी के शेयर ले रखें तो आपका बहुत ही अच्छा सब जो है आपको पैसा मिलने वाला है इस कंपनी से। और अगर आपने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में निवेश कर रखा है तो बहुत ज़्यादा आप जो है पैसा देंगे, क्योंकि देखिए कंपनी 170 करोड़ की कंपनी है, छोटी सी कंपनी जरूर है लेकिन देखिए फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे देखने वाले हैं। ड्रेप जरूर 40 करोड़ का है लेकिन कंपनी के एसेट्स भी 107 करोड़ के हैं। और कंपनी के अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा और भी चीज़ दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का कितना है, क्वार्टर रिजल्ट 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी का सेप्टेम्बर क्वार्टर में। और इसके अलावा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 में कितना है, 4 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप देखिए इनके सबसे मेन चीज़ बैलेंस शीट देखिए लगातार इनके एसेट बढ़ रहे हैं। देखिए एसेट देखें मार्च 2021 में कितने हैं, 107 करोड़ रुपये, इसके पहले 64 करोड़, उसके पहले 38 करोड़, उसके पहले 23 करोड़, मतलब कंपनी लगातार अपने एसेट्स को बढ़ा रही है और कंपनी मतलब लगातार बढ़ रही है, ये बात आप जो है देख रहे होंगे। इसीलिए इनका शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है और इनकी अपनी सेल्स भी लगातार ग्रो हो रही है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 72.37% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में और बाकी होल्डिंग अपने पब्लिक के पास में, तो कंपनी में प्रमोटर को काफ़ी भरोसा है, इसलिए कंपनी में काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर ने रखी है, मतलब कंपनी आगे ग्रो करेगी। अगर आपने इस कंपनी के शेयर ले रखें तो आप इसमें लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। बाकी TTML तो आपका जानते हैं कितना बड़ा स्टॉक है, वो तो आपको जो है करोड़पति बना के ही मानेगा, ये बात बिल्कुल तय है। और इसको आप होल्ड करें TTML को, आप बिल्कुल भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग ना करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म में पैसा निवेश कर रखा है शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दोबारा से डिप में बाई कर सकते हैं। जो लोग भी बोले तो जो लोग ऐसा करते हैं ना कि एक हफ्ते के खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहीं तक था वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।